चलो फ्रेंड्स, वापस से कुछ नया सीखते हैं। आज का फंक्शन बिल्कुल ही अलग है। आपको गाड़ियां दिख रही है ना सामने, सब देखते हैं ये क्या है। आज मैं आपको एक्सेल में सीसीटीवी कैसे डालना है वो दिखाऊंगा। थोड़ा सरप्राइज देखते हैं। चलो ये मैं एक शीट लेता हूँ फ्रेंड्स, और यहां से मैं ये देखिए कैमरा फंक्शन देता हूँ। अभी ये कैमरा फंक्शन आपको दिखाएगा नहीं, है ना। तो आप ये कहाँ से ला सकते हैं, ये कोई भी रिबन के ऊपर ना, कहीं पे भी, होम में पे, कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए और कस्टमाइज रिबन में जाइए। ठीक है, कस्टमाइज रिबन में आने के बाद यहाँ पे ये पॉपुलर कमांड्स लिखा है, उसकी जगह ऑल कमांड्स में आ जाइए। ठीक है, और नीचे एबीसी के हिसाब से टी पे जाइए, वहाँ पे आपको कैमरा फंक्शन दिखेगा। ठीक है, ये कैमरा फंक्शन आपको यहाँ पे ऐड करना है। आपको जहाँ पे भी ऐड करना हो कर सकते हैं। समझो कि मुझे इंसर्ट में ऐड करना है, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा फ्रेंड्स, और ध्यान से ये डायरेक्ट नहीं ऐड करने देगा ऐसे, इसमें आपको पहले एक ग्रुप नया बनाना पड़ेगा। तो मैं इंसर्ट में एक नया ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है, ये ग्रुप को आप नाम दे सकते हैं। ओके, कोई चाहिए तो फोटो भी लगा सकते हैं। मैंने नाम दिया सतीश ग्रुप। ठीक है, ओके आ गया। ये मैंने सिलेक्ट किया, ये कैमरा यहाँ से सिलेक्ट है और इसको ऐड किया। तो अभी मैंने इंसर्ट में सतीश ग्रुप नाम बनाया, उसमें कैमरा फंक्शन डाल दिया। ठीक है, ओके करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे आ गया, लेट सी। यहाँ पे मैंने इंसर्ट में गया और यहाँ पे लास्ट में जाते हैं, आ गया। देखो सतीश ग्रुप नाम का ग्रुप बन गया और यहाँ पे कैमरा आ गया। ठीक है, चलो लगाते हैं ये सीसीटीवी कैमरा कहीं पे। ओके, उसके पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी हम इसे ब्लॉक्स दो तीन बना देते हैं। इंसर्ट, एक सर्कल बना दिया मैंने। ओके, और कुछ भी कुछ लेते हैं, जैसे स्टार बना दिया। ठीक है, और कलर वलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं सबका। अभी हम ये हमारा कैमरा फंक्शन लेके आते हैं, देखना था। ये मैं मेरा मॉनिटर बना रहा हूँ, देखना, मैंने ये मेरा मॉनिटर बना दिया है ना। ये मॉनिटर आ गया हमारे पास। ये आपको मॉनिटर को जितना छोटा बड़ा करना है आप कर सकते हो। ठीक है, अभी ये मॉनिटर यानी कि डिस्प्ले हमारे पास आ गया, लेकिन ये डिस्प्ले में क्या दिखना चाहिए, यानी कौन सी कैमरा का व्यू देखना चाहिए। तो कैमरा का एंगल हम चेंज करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, है ना। देखो कैसे, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इक्वल टू की जगह मैंने कैमरा का एंगल इतना कर दिया। ओके, एंटर मारो, हो गया। ठीक है, देखो ये यानी हमने क्या किया, कैमरा का एंगल में A2 से E13 तक जो भी व्यू है वो मुझे दिखेगा ये डेस्कटॉप पे, ये वाले डेस्कटॉप पे। ठीक है, देखो A2 से E13 मुझे यहाँ पे दिखेगा। मैं इसका साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका मॉनिटर हो गया, मॉनिटर की स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखो अगर इधर से मैं थोड़ा ये आगे नीचे लेके जाऊँगा तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले में वो निकल गया। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ EZ इंजीनियर्स तो देखो वहाँ पे भी दिख रहा है। ओके, है ना कमाल का फ्रेंड्स, वंडरफुल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा पास में लेके जाता हूँ, ये घर में कोई चोर घुस गया, देखो ये यहाँ पे दिख गया आपको डिस्प्ले में। और ये कैमरा आप कहीं पे भी कोई भी शीट में लेके जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इधर से इधर ही दिखे। ये आप कैमरा कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, कोई भी शीट में भी लेके जा सकते हैं। ओके, आपको जहाँ पे चाहिए ये यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक आध दो ऑप्शन में आपको रेफरेंस बताता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई बड़ी शीट यूज़ करता हूँ जिसका आंसर नीचे आ रहा है,
तो बार बार वो आंसर मुझे नीचे देखने जाना पड़ रहा है, ट्रायल एंड एरर करना पड़ रहा है, तो उसका नीचे का ब्लॉक लगा के ऊपर आप ये कैमरा डाल सकते हो। और जब आप कोई वर्किंग शीट में कर रहे हो और आपको इसका प्रिंट नहीं आना चाहिए, ऐसा रखना है कि ये मुझे तो दिखे लेकिन जब मैं प्रिंट निकालता हूँ तो प्रिंट में नहीं आना चाहिए, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर में जाके डू नॉट प्रिंट ऑप्शन में जा सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, ओके, नाउ चलो अभी जो फ्रेंड्स इसके आगे का मैं सिखा रहा हूँ वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से समझना लेकिन बहुत यूजफुल भी है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो इसका एरिया है ना, कि सीसीटीवी का ये जो एंगल है वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो, यानी हम कोई फॉर्मूला लिखें और फॉर्मूला के हिसाब से इसका सीसीटीवी का व्यू चेंज हो जाना चाहिए। वो आप बहुत सी जगह भी यूज कर सकते हो, कोई भी शीट की जहाँ पे मैं कोई डेटा लिखूँ और अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक पूरा पिक्चर चेंज हो जाना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, अभी ये मेरी फेवरेट कार है, रेंज रोवर। मैंने ये ऐसा पिक्चर बनाया है, यहाँ पे ऐसा फंक्शन बनाया है कि मैं अगर यहाँ पे येलो की जगह समझो ब्लू लिखता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मेरी गाड़ी ब्लू कलर की हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं और कोई कलर लिखता हूँ जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, ओके, कैंसल, ये नहीं आया क्योंकि उसके डेटा बैंक में नहीं होगा। मैं लिखता हूं ऑरेंज, देखो तो ये ऑरेंज आ गया। ये मैंने कैसे किया जानना है आपको, इंटरेस्टिंग, चलो देखते हैं फ्रेंड। देखो मैं यहां पे जाता हूं, ये है वो सीक्रेट कि जिससे मैंने ये फंक्शन अचीव किया। मैंने एक अलग से शीट बनाई जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स मैंने पेस्ट कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने क्या डेटा लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे कलर लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक लिखा था, इसके लिए वहाँ पे नहीं ले रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट लिखा होता तो हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने 5 कलर के नाम लिखे हैं और उसके सामने ध्यान से सीसीटीवी कैमरा का व्यू कहाँ सेट करना है वो लिखा हुआ है। यानी देखो फॉर एग्जाम्पल ब्लू में मैंने लिखा हुआ है शीट 1 में A1 से H3, तो देखें A1 से H3 क्या है, तो ये A1 है, 2 मिनट मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये A1 है और A1 से लेके H3, यानी कि फ्रेंड्स इतना डेटा हो गया। देखो तो उतने सेल्स का डेटा दिखाएगा, अभी उतने ही सेल्स में जाके मैंने ब्लू कलर का रेंज रोवर का फोटो फिक्स कर दिया, समझ गए। तो यानी कि अगर मुझे ऑरेंज कलर चाहिए तो कितना डेटा मैं पेस्ट करूंगा, इतना, यानी कि ये सेल से लेके ये सेल तक व्यू जाना चाहिए। तो मैंने देखो ऑरेंज के सामने वही लिखा होगा, ऑरेंज में T1J5 से A7, देखो J5 से S8 तक, समझ गए। तो पहला काम हमारा क्या है, मुझे जो डेटा चाहिए, जो डेटा का फोटो चाहिए वो नाम के सामने वो पिक्चर आपने कितनी एरिया में पेस्ट किया हुआ है वो लिख दो, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक अगेन सीक्रेट रो हाइड की हुई है, मैं इसको अनहाइड करता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल वी लुकअप फंक्शन डाला है, यानी कि ऐसा वी इक्वल टू वी लुकअप ऑफ क्या करना है, ये वाला वैल्यू ढूंढे, इसमें से T1 की ये वाली टेबल में से, ओके, और डेटा कहाँ से वापस दे, तो सेकंड नंबर की कॉलम में से, तो सेकंड नंबर की कॉलम, ओके, एंड लास्ट में फॉल्स। अगर आपको वी लुकअप फंक्शन नहीं आता है तो आप मेरा अलग से जो वी लुकअप का वीडियो है वो देख सकते हैं फ्रेंड्स, वी लुकअप एंड डी गेट का एक वीडियो है, ओके। तो अभी ये क्या दे रहा है, मैं यहाँ पे जो कलर सिलेक्ट करूंगा ना फ्रेंड्स, वो कलर के रिलेटेड कितना कैमरा का व्यू हमको चाहिए वो आंसर दे देगा, ठीक है। अभी लेकिन
ये डायरेक्ट पिक्चर में कैसे आएगा, चलो वो भी देखते हैं। ओके, ये आपके लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं फ्रेंड्स, कि जो आपको क्विक रेफरेंस के लिए काम आएगा। चलो मैं आपके सामने ये फंक्शन वापस से बनाता हूँ। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, देखना, कैमरा फंक्शन में जाऊँगा, जो मैंने इंसर्ट में सतीश ग्रुप नाम के ग्रुप में रखा था, कैमरा किया, देखना ये मैंने फ्रेंड्स कैमरा बना लिया, आई मीन टू से ये मैंने बनाया आपका स्क्रीन, है ना, स्क्रीन तो बन गया। अभी स्क्रीन में दिखाना क्या है, है ना, तो स्क्रीन में क्या दिखाना है, वो इसमें से कौन सा दिखाना है वो वेरिएबल है, तो स्क्रीन में क्या दिखाना है वो मुझे अभी पता नहीं, तो इसके लिए स्क्रीन में क्या दिखाना है, एक्चुअली यहां पे जो हमने लिखा उसके अकॉर्डिंगली वो स्क्रीन, उसके अकॉर्डिंगली उतने सेल्स का व्यू वो स्क्रीन में दिखाना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, अब दो तीन बार वीडियो देखोगे तो फ्रेंड्स याद रह जाएगा, या वीडियो देखते देखते आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए मैं पिक्चर कमांड को नेम देता हूँ, देखना कैसे करते हैं हम फ्रेंड्स, फॉर्मूलास में जाएंगे, ध्यान से देखना, और मैं यहाँ पे डिफाइंड नेम में गया, ओके, और डिफाइंड नेम में मैं नाम देता हूँ मेरी गाड़ी, ठीक है, ये मेरी गाड़ी नाम मैंने दिया, और वो मैंने इसको मेरी गाड़ी नाम दे दिया ये पिक्चर को, और रिफर्स टू, तो रिफर्स टू कौन सा वाला सेल, रिफर्स टू फ्रेंड्स ये वाला सेल, तो मैंने ओके कर दिया। ओके, अभी देखें क्या होता है, इक्वल टू इसमें भी ये वाला सेल, ये क्या हो गया फ्रेंड्स, अरे ये तो फ्रेंड्स ये सेल में जो लिखा हुआ है वो दिखा रहा है, मैं ये सेल को अगर कोई कलर कर देता हूँ तो वहाँ पे भी वो कलर हो जाता है, नहीं मेरे को तो ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे तो ऐसा चाहिए कि ये वाला सेल में जो वैल्यू लिखा है वो व्यू के हिसाब से, वो सेल्स के हिसाब से वो वहाँ से पिक्चर लेके आए, है ना, तो इसके लिए फ्रेंड्स मुझे यूज़ करना पड़ेगा इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट फंक्शन सीखने के लिए मेरा अलग से इनडायरेक्ट फंक्शन का वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो अभी हम ये फंक्शन कैसे यूज करेंगे इनडायरेक्ट वाला, देखिए फ्रेंड्स हम वापस से जाएंगे डिफाइंड नेम में, ओके, लेकिन डिफाइंड नेम में तो हमको नया नाम डिफाइन करना है, हमने नाम तो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, है ना, लेकिन वो सही नहीं किया था तो हमको एडिट करना है, तो इसको कैंसिल करते हैं और डिफाइंड नेम की जगह नेम मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ पे तो एडिट करेंगे, और ये जो सेल है वो ये वाला लिंक कर रहा है, वो बराबर है, लेकिन हमको उसके आगे लिखना पड़ेगा इनडायरेक्ट, यानी कि ये वाले सेल में जो लिखा हुआ है वो वैल्यू का पिक्चर उठाए, यानी कि J5 से A7 का, यानी कि जब ये कलर चेंज होगा तो ये भी ऑटोमेटिक चेंज होगा क्योंकि हमने VLOOKUP फंक्शन डाला है, और जितना सेल का एरिया लिखा होगा उतने सेल के एरिया में से यहाँ पे पिक्चर दिखाएगा। लेट अस सी, ओके, इसको करेंगे क्लोज, ठीक है, हो गया फ्रेंड्स। अभी हम ऑरेंज की जगह समझो लिखते हैं ब्लैक, ओके, आगे ब्लैक कर, बढ़िया, मैं इसकी जगह लिखता हूं ब्लू, वाओ इट्स वर्किंग राइट। तो फ्रेंड्स ये फंक्शन हम बहुत सी जगह भी यूज कर सकते हैं, आपका कोई भी फील्ड हो, समझो कि आप अकाउंटेंट हैं और अकाउंटेंट में अलग अलग कैटेगरी है कि रिटर्न भरना है नहीं भरना है डिपेंडिंग ऑन द इनकम, और अकॉर्डिंगली कोई इमोजी आ जाए तो वो आप कर सकते हैं। आप अगर सिविल इंजीनियर है और आप फाउंडेशन का टाइप कहीं पे सिलेक्ट कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली आपको वो
जो फाउंडेशन टाइप सिलेक्ट करें अकॉर्डिंगली फोटो चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से बहुत सी जगह पे आप ये यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। दिस इज हाउ यू लर्न स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। And this is how we learn structure engineering at EZ. Here, practical applications are given equal value as the number crunching is. The experts who train you here are not only from academic background and won't just be reading out books to you, but they have vast experience through diversified projects and will provide you exposure of actual structure design procedures from the live projects they are working on. EZ has participants from all over India and abroad, which includes not only students, but also university professors, government executives, and even MNC employees. EZ has conducted training programs for leading multinational companies. And universities as well. And holds the highest number of job placements compared to most major institutes you know of. And of course, EZ trainers are more than qualified to do so, making learning at EZ easier. Did you know, EZ has courses that no other institutes in India have. Courses like STAT Pro with advanced structure concepts, advanced steel structures, advanced concrete structures, and more. Lastly, EZ is also the highest rated institute on social media. So, what are you waiting for? Contact us and be ready to change the way you learn.